नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केस्टेस्ट में। और आज हम बात करेंगे सिंह राशि की लियो साइन और उसमें प्लेस्ड प्लैनेट्स के बारे में। तो पहले जानना कि लियो साइन जो है कि हमारे फिफ्थ हाउस नेचुरल जोडियक्स, जो कि हमारी जो है कि स्टेटस को दर्शाता है, क्योंकि उसका जो लॉर्ड है वो सूर्य है। सूर्य जो हमारे स्टेटस का कारक है, हमारे जो है कि ईगो का कारक है। तो इसलिए जो भी प्लैनेट जो है कि अब जो है कि लियो साइन के अंदर जाएगा, एक तो जो है कि उसके कर्तृत्व के अंदर जो भी प्लैनेट जाएगा उसके अंदर ईगो आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका वीनस चला जाता है लियो साइन के अंदर, तो आपका जो जीवन साथी है उसके नेचर के अंदर उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से अगर बुध आ जाता है तो वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी बहन है, आपकी बुआ है, आपकी बेटी हैं, उसके अंदर जो है कि ईगो बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसी प्रकार से अगर आपके सन आ जाते हैं तो आपके फादर हैं, मून आ जाता है तो आपकी मदर हैं। इसी प्रकार से अगर आपके जुपिटर आ जाते हैं तो वो आपके जो कि गुरु हैं। इसी प्रकार जो है आपका राहु आ जाता है तो दादाजी हैं, केतु आ जाते हैं तो नाना जी हैं। तो कोई भी कारतत्व इसके अंदर हो, इसको आप जो है कि हाउस लॉर्ड के हिसाब से ले सकते हैं। जैसे नाइन्थ लॉर्ड अगर आ जाता है तो गुरुजी हैं, आपके फादर हैं। फोर्थ लॉर्ड अगर आपके सिंह राशि के अंदर आ जाता है तो आपकी मदर के अंदर ईगो क्रिएट करेगा। सेवन्थ लॉर्ड आ जाता है तो आपके जीवन साथी के अंदर। इस प्रकार आप जो है कि हाउस लॉर्ड को भी ले सकते हैं जो भी सिंह राशि के अंदर आ रहा है, और आप जो है कि प्लैनेट को भी ले सकते हैं, उसके कारतत्व को भी ले सकते हैं। ये तो कि ईगो की बात। अब जो सिंह राशि है वो जो है कि हमारे फेम की भी है, क्योंकि राजा का घर है। तो यहां पर जो भी प्लैनेट आएगा वो अपने आप को राजा समझेगा या आपको राजा बनाएगा। यानी कि जो प्लैनेट आपकी सिंह राशि के अंदर है उसको कार्य मिला है कि वो आपको राजा तुल्य बनाए, राजा नहीं तो राजा के बराबर ले जाए, खड़ा करे। जैसे अगर सूर्य आपका सिंह राशि के अंदर है तो वो उच्च पद पे ले जाएगा आपको, और आपका जो इंटेलिजेंस इंटेलेक्ट है, क्योंकि फिफ्थ हाउस हमारा इंटेलिजेंस का है, और जो नेचुरल जोड़िया है इसके अंदर जो हमारी लियो साइन है वो फिफ्थ राशि है हमारी। तो इस प्रकार से सूर्य जो है वो नॉलेज है, तो आपकी नॉलेज कारण बनेगी आपके फेम की। अगर इसके अंदर आपका वीनस आ जाता है तो जैसे मैंने कहा पहले बताया कि ईगो वाला हिस्सा, अगर इसको हम अपना लें कि वो वीनस का कार्य है आपको फेम दिलाना, तो किस चीज के अंदर? वीनस जो है आर्ट का है, वेब डिजाइनिंग है, फैशन, आप फैशन के अंदर कुछ क्रिएट, फैशन डिजाइनर जो होते हैं, कुछ ऐसा फैशन क्रिएट कर देना आपका नाम और आपका फेम मिलना आपको। स्टेज परफॉर्मेंस जो है कि वो आपकी सिंह राशि से देखी जाती है, क्योंकि सिंह राशि को पसंद है जो है कि शो ऑफ करना, पब्लिक के सामने आना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना, तो उसकी वजह से आपको फेम मिल सकता है। बुध अगर है तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के वजह से आपको जो है कि फेम मिलना है। इसी प्रकार आप जो है कि गुरु अगर वहां पर है तो वह आप जो है कि किसी बड़ी संस्था के अंदर, क्योंकि लियो साइन है और वहाँ पर जो है कि आप एडवाइज़र हो सकते हैं, सलाहकार बोल सकते हैं आप, तो वो किसी बड़ी कंपनी के अंदर या आपके एडवाइस किसी भी क्षेत्र के अंदर हो उसके लिए आप मशहूर हो जाएंगे, क्योंकि उसको या टीचिंग है आपकी, क्योंकि अगर फिफ्थ हाउस हमारा जो टीचिंग का भी है, आप स्कूल में मतलब टीचर हो सकते हैं और उसके अंदर भी आप नाम कमा सकते हैं। आपकी टीचिंग ऐसी होगी कि सबसे अलग होगी या मतलब चमकेगी वो, क्योंकि जो सूर्य है वो चमक देता है, सूर्य का घर है वो, उसको वहाँ जो भी प्लैनेट आया वो आपको राजा बनाएगा। राहु है, राहु जो है कि उसके बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा वो, मतलब कि आपको किंग बनाने के लिए गलत तरीके से भी, मतलब यानी कि आप कोई ऐसा गलत काम भी कर सकते हैं ऊपर पहुँचने के लिए, या आप जो है कि कह सकते हैं, क्योंकि राहु जो है वेव्स है, वेव्स है मतलब आप जो है इंटरनेट से जुड़े हुए हो,
या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर से जैसे हैगिंग करते हैं लोग बाग जो हैकर्स होते हैं, तो आप उससे जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि राहु जो है कि इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, केतु भी कोडिंग वगैरह को। तो वो मतलब कि जो भी प्लेनेट आपका सिंह राशि के अंदर जाएगा उसका कार्य है आपको बुलंदियों पर पहुंचाना। तो हमारे जो गुरु जी हुआ करते थे, या हमारे आप लगा लीजिए कि हम मैं केन राव साहब को फॉलो करता, उन्होंने भी ये बोला है कि कम से कम एक प्लैनेट तो होना ही चाहिए सिंह राशि के अंदर जातक के, क्योंकि वो उस क्षेत्र के अंदर आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, जो कि जो प्लैनेट सिंह राशि के अंदर है। क्योंकि सिंह राशि जो है कि राजा का घर है, और जो प्लैनेट उसके अंदर आ जाता है, एक तो ईगो आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि वो अपने आप को राजू समझता है। एक वो आपको जिसका भी वो चार्ट है उसको उस जगह पे पहुंचाना चाहता है, उस राजा बनाना चाहता है आपको, और वो बना के छोड़ता है। अब वो आपकी इज्जत है फिफ्थ हाउस। लेकिन दोस्तों एक चीज है, अगर इसके अंदर सैटर्न आ जाता है तो सैटर्न जो है कि आपकी तरक्की के अंदर रुकावट बनता है, क्योंकि जो सैटर्न है वो रिस्ट्रिक्शन का कारक है। सैटर्न आपके फिफ्थ हाउस के अंदर आ जाए तो भी आपकी प्रमोशन नहीं होती जल्दी से, क्योंकि यहां पर आपको नाम, आपका हार्ड वर्क दिलाएगा, आपको किस्मत के सहारे कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, बहुत अड़चने आएगी, बहुत लेट आपको जो है कि तरक्की मिलने वाली है, अगर आपका सैटर्न जो है कि लियो साइन के अंदर है। लेकिन लियो साइन अगर इफ्लेक्टेड है, मान लीजिए कोई प्लैनेट लियो साइन के अंदर बैठा है, या सैटर्न मार्स से वहां से जो अपने ये पाप ग्रह बोले गए हैं उनकी दृष्टि है, कहीं से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो उसको, तो वो आपको इज्जत, जैसे मतलब कि इज्जत तो देगा देगा, लेकिन वो मतलब कि आपको नाम, जो बोलते हैं कि नाम कमाना, लेकिन वो जो है कि आपको कहीं गलत चीजों से नाम कमवाएगा। आपका नाम तो होगा, जैसे कि आप सट्टा खेल रहे हैं उसके अंदर कुछ गमन कर लिया, या आप गलत रास्ते से कोई ऐसा कार्य करने हैं, नाम आपका होगा लेकिन जो है कि आपका रास्ता गलत हो सकता है कि अगर वो अफ्लेक्टेड है। लेकिन ये श्योर है कि आपके जो लियो साइन के अंदर अगर कोई भी प्लैनेट है तो वो आपको बुलंदियों पे पहुंचाने वाला है, आपको किंग बनाने वाला है, क्योंकि रॉयल साइन है लियो। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है वो वीडियो है वो पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब भी कीजिए। आज्ञा चाहता हूँ अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।